हम लोग डोम से निकले और हम लोग विला तक आ रहे थे एंड हनीत वॉज लाइक बन गया था आइडियल साहब और ऐसा लग रहा था कि हमारी शादी हो गई थी। उस टाइम पे विला में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, सभी के सभी लोग पागल हो गए थे, सबके सब भांगड़ा कर रहे थे। मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब था, मतलब मुझे गुस्सा था, बुरा लग रहा था कि यार ये पूरा विला हमारे अगेंस्ट है। किसी तो हमें ले जाके दिखाओ, क्योंकि इनको पत्नी निकालना तो इनके माँ बाप के बस की नहीं है, क्योंकि हमें आगे ले जाके दिखाओ, क्योंकि पता है क्या काश और ऋतु गए, क्योंकि मैं वो कहीं ना कहीं प्लान समझ गया था कि इस विला में हम दोनों अकेले हैं। ऑफकोर्स स्टेफी ने हमारा बहुत साथ दिया, बट ये हमारी अकेले की लड़ाई थी। रितु कहीं ना कहीं उस चीज को नहीं समझ पा रही थी, वो बहुत बहुत रोई है। People are very bad out here, Ritu. You have to understand that. You can't be nice to them and play a game. But I'm not genuinely expect कर रहा था कि हम जाएंगे। I bloody perform all the time. मैं हर बार perform करती हूँ यार। मैं बहुत sad थी, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोग हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। I don't think that's fair. And the worst part was कि खुद की friend Alisha Haneef वो नहीं आया कंसोल करने के लिए, उनका एटीट्यूड काफी बदल गया था। किंग है, किंग मिला के, किंग यू किंग मिला सेनापति तैयार। अब बेबी और मैं और मेरे सारे भाई जो आ रहा मारो चपेड़ा सबको। कि आकाश का क्या करें, आकाश क्या करे, घर भेज दे तो भेज देंगे। सीधी सी बात है यार, खुशी को ये अच्छा लगे, कोई को बुरा लगे, कोई सड़े मरे, इसमें कुछ नहीं कर सकता यार। बिकॉज आई हैव द पावर एंड आई विल यूज इट इन अ गुड वे और अ बैड वे, इट्स माय विश। सनी ने डोम में मुझसे एक दो क्वेश्चंस पूछे थे कि मैं अब करने क्या वाला हूँ, उनको ऐसा लगता है मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ। तो मैं जैसे ही वापस आया तो कहीं ना कहीं मुझे वो रियलाइजेशन हो रहा था बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत कर रहा था यार, दिव्या के साथ भी और निभी के साथ भी। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, मुझे कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है बात, ब्रेक डाउन मोमेंट होता है मेरे लिए, वो आ जाता है, मैं काफी ज्यादा अपसेट होता हूं। लकीली मैं वहां पहुंच गई एंड आई सॉ हिम क्राइंग। नाउ टेल मी क्लियरली, यस्टरडे यू वर क्राइंग, उस टाइम पे तो उस टाइम पे यू गॉट इमोशनल केयर, नाउ मतलब आई वाज नॉट क्राइंग बिकॉज़ यू वर देयर विद निबी, आई वाज क्राइंग बिकॉज़ ऑफ आवर सिचुएशन। हम ऐसी सिचुएशन में हैं, क्या करें? Confused. I'm thinking that I'm not doing right with you and maybe. मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या गलत कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कुछ गलत कर रहे हो। It's okay. She needs to be secure. She needs to be in the game. You helping her with that. I need love. You giving me everything. I don't need anything else. I hope. वो नहीं चाहता कि मुझे टेंशन हो, वो नहीं चाहता है कि इस वजह से मैं अपसेट हूँ। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा प्रियांक वॉज इमोशनली मेंटली ब्रेक डाउन। वॉट एवर वी गो थ्रू साथ में करेंगे। यू वर स्ट्रॉन्ग इसलिए आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम क्लियर विद दैट। सॉरी सॉरी क्यों बोल रहे हो यार, प्लीज डोंट डू दैट प्लीज। मुझे नहीं पता था कि मैं उसको कैसे संभालूं, मैं ऑल आई कुड डू इज जस्ट give him a hug, उसको console किया मैंने कि I am with you. जब हम वहाँ पहुँचे बेवॉच के लिए तब हमने देखा कि लड़के सारे के सारे गायब हैं, तो हम लोग सोचने लगे कि लड़के कहाँ गए। Hi ladies. Hello. Hi. Hello. This is MTV Splitsvilla season 10. आज हम boys के deepest darkest secrets, wildest fantasies, वो हम जानेंगे। ये सुन के मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी कि अब कौन से राज निकलेंगे, क्या क्या उन्होंने हमसे छुपा के रखा है, सब कुछ उगलेंगे वो लोग, सब कुछ बाहर आएगा। आज की एक्टिविटी जो है I'm not saying it. और एक्टिविटी का नाम है सनी। आज का बेवॉच एक्टिविटी का नाम है BDSM. हम सबके मुंह फटे के फटे रह गए। ठीक है भाई, इसमें क्या होने वाला है? भिगो के, धो के, सुखा के मारो।
हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, हंसी भी आ रही थी कि ये कैसा टास्क हुआ। बेसिकली सारे के सारे लड़के यहाँ पर बैठे होंगे, जब उनकी सीक्रेट बोली जाएगी आप लोगों को ये देखना है कि ये सीक्रेट किसकी है, और जो आपको लगता है कि हाँ ये इसकी सीक्रेट है, उसके पीछे आपको एक हैंडकरचीफ को पहले भिगोना है, उसको धोना है, सुखाना है और फिर मारना है। फिर क्या था कि भाई आज तो सुपर भड़ास निकाली, हमने सोच लिया था अब तो भिगो भिगो के सुखा सुखा के बहुत मारेंगे सालों को। जिस लड़के को सबसे ज्यादा पड़ेंगी उसकी सीक्रेट पे वो जीत जाएगा, तो ऐसे ही टॉप फोर विल मूव फॉरवर्ड। या एक्साइटेड? यस। शुड वी कॉल द बॉयज? यस बॉयज। सबने हमें जैसे ही बॉक्सर्स में देखा सब हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, पता नहीं मजाक उड़ा रहे थे, पता नहीं क्या। वंस वी वर एक्सप्लेन्ड द टास्क, वी वर ऑल शिटिंग इन आवर पैंट्स दैट टाइम। ऑन ऑल फोर्स बॉयज। Best of luck boys. Girls, enjoy. Pehla secret, Sunny, we'll start with you. Okay. Wants to make out with five girls who are friends with each other, but none of the girls are aware about it. Ek friend circle mein panch ladkiyan thi, unko aapas mein nahi pata tha. कौन हो सकता है? मुझे लगा कि कोई भी हो सकता है यार, बसीर भी हो सकता है, बसीर ही होगा। मैंने प्रियांक को मार दिया क्योंकि वो जो दिखाता है वो है नहीं, और जो वो नहीं दिखाता वो कुछ फॉर श्योर है। ये तो आकाश के ही लक्षण हो सकते हैं, आकाश नहीं बोला होगा, पक्की बात है। जब फेंकने की बारी आती है तो मैडी आई थिंक इज द बिगेस्ट फेकू। लग रहा था कि जो भी थोड़े बहुत ज्यादा ज्यादा अजीब है वो बस मैडी को हम चिपका देंगे, मतलब उसे ही जाके फेलेंगे हम। मैडी को बोले यही फेंक रहा होगा और मारा। सारे लोग हंस हंस के पागल हो गए और मुझे भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे काम, इतनी गलत इमेज। अगर इनसे पूछा जाए तो ये किसी भी जेंडर के साथ, बॉय और गर्ल, अपने करियर के लिए ही कैन गेट विद। मतलब सब प्रिपेयर्ड थे कि भाई पढ़ने वाली है, मुझे जैसे ही कुछ पानी की बूंदें फील हुई पैर पे मेरी तो वाला लिटरली मैंने कहा आज पढ़ेगी। Oh, not me, man. I wouldn't do that. I lost my calm. इधर है कौन जिसको लगता है कि मैं ये हरकत कर सकता हूँ? आकाश के मुंह से एक बार शायद निकला था ऐसी मजाक मजाक में कि अगर पास आ जाए और मुझे ऑफर करे कुछ तो मैं मना थोड़ा करूंगा। आकाश ही थोड़ा सा है जो बाइसेक्सुअल लगता है, वो शायद पता नहीं किससे अट्रैक्टेड है दिला में। नेक्स्ट, ये लड़का फोरप्ले को सेक्स से ज्यादा एंजॉय करता है, ब्रैकेट में कटलिंग एंड स्पूनिंग। वाओ, लड़कियां तेज भाग भाग के गई हैं। मेरे दिमाग में पहला टिंग घंटी बजा, रिपू। ओह, ऑलवेज टू। मेरा एक स्ट्रैटेजी था कि लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी भी होती है अगर आकाश की वो डार्केस्ट डीपेस्ट सीक्रेट होने की, आई विल गो हिट हिम क्योंकि मैं चाहती थी उसे ज्यादा पॉइंट्स मिले। ओह, मैं कहना कब मैंने करा नहीं तो मेरे को क्यों मार रहे हो? कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि स्टेफी और रितु बहुत मार रहे थे आकाश को। मैं उसे अपने फील नहीं कर पा रहा था एंड आई वाज लाइक नेक्स्ट। अगले लड़के की सीक्रेट है, he wants to make love to Divya in a houseboat at an exotic location like the backwaters of Kerala.
मेकिंग लव विद दिव्या. मैं सोच रही थी क्यों, या व्हाई. मैंने पहले सोचा इतनी हिम्मत किसकी हुई जो ये चीज बोलेगा मुझे. अब सबको लगा ये प्रियांको का इतना खुला खुली दिव्या दिव्या बोल रहा है तो, या फिर नैश आजकल बहुत दिव्या दिव्या कर रहा है. ओ, ओ, आओ, आओ. मुझे लगा कि प्रियांक ही होगा, वो ही मेरी टेल खींच सकता है. मैं गई, मैंने प्रियांक को मारा. सबने प्रियांक का अटैक अटैक, उनकी जो सफेद सी एकदम मलमली मखमली दूध वाली जो पीठ थी उसके ऊपर लाल लाल निशान पड़ चुके थे. भाई मैं कहीं ना वो पेन दबा के रखता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जो जो लड़की मुझे फट के मारी मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी. Was in a relationship with four girls at the same time. कैसे लड़के हैं सर? Made up. कौन है ये कलाकार? क्या है ये सब? इनकी फैंटेसी. नहीं फैंटेसी नहीं, किया है ये. किया है, कर चुके हैं. ये सीक्रेट है. शक्ल इतनी भोली क्यूट से बने रहते हैं, कितने टुच्चे हैं लड़के. वो जितना मिस्टीरियस और एकदम एकदम क्लासी वे में आकाश ड्रेस करता है ना, मुझे लगा यही जेंटलमैन होगा जो ऐसी तुच्छी हरकत कर सकता है. नचिकेत बहुत खुश लग रहा था मार खाते हुए. मैंने सोचा मार ही दो साले को. आई थॉट ये तो मोहित हो सकता है, पूरे टाइम इज लाइक यू नो इधर कभी मुंह मार रहा है, उधर कभी मुंह मार रहा है. पहले तो मुझे ये जानना था ये है कौन. Made out with girlfriend's friend without the girlfriend knowing. You're gone, बेटा. ये तो बस मिल जाए बस, ये तो मार खाएगा हर लड़की से. दे धनादन फटके पढ़ते रहते और हमारा सिलसिला शुरू हो जाता है चिल्लाने का. फटका लगा और मेरी कमर ऐसे हो गई. Made out in a washroom at the mall after a movie. Made out with a girl in the back seat of a car. मुझे मम्मी की याद आ गई क्योंकि मम्मी मेरे इतना बुरा मारते थे मेरे को पहले. He wants to be a part of Anmol's wild fantasy. Oh my God. ओ मोहित, भिगोने दे अच्छे से, धोने दे अच्छे से, सुखाने दे अच्छे से. No, yes, the sound आया था ना, it was a sound of satisfaction. I think अगर फटके देने में मेरा कोई competition था कि धमाके हो रहे थे लड़कों के कमर पे, that was नैना. छलनी कर दिया था उनको, छलनी literally. पीछे मारना था गाल पे भी पड़ गई. कांटा पड़ गया साले पे. Last one boys. Wants to go on a bike ride and make out in every city. Like यार ये तो next to impossible है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है. Had a feeling कि ये यही लड़का है, ये मेरा वाला ही लड़का है. Boys, you can relax. No. Assume. What, Sunny? Oh no. Oh. Bad boys. You guys are messing with the girls? A little confused? You're just a good boy. People that mess around with a bunch of girls. And this is my super freak. My dad! Yeah! He
इतना मजा तो लड़कियों को मतलब आई हैवंट सीन यू गर्ल्स हैव सो मच फन यस वी हैड अ लॉट ऑफ फन बहुत मजा आया यू गाइस वांट टू नो द रिजल्ट यस यस एंड आल्सो तो थोड़े खुलासे भी हो जाएंगे मजा आएगा यस हम जानना चाहते थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के ये बोला किसने है ऐसी किसकी सोच है इसकी किसकी मेंटालिटी है wants to make out with five girls who are friends with each other but none of the girls are aware about it सबसे पहले पड़ी किसको थी मैडी को मैडी को दिस इज नॉट मी व्हाई आर यू थिंकिंग दैट दैट इज मी प्रियांक 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 लेडीज आर राइट कैसानोवा इट वाज प्रियांक व्हाट व्हाट रियली आई वाज लाइक रियली प्रियांक तुम ऐसे हो नहीं तो आई वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट इट वाज अ विश व्हाट डू यू विश फॉर सो आई सेड दिस ऐसा नहीं था कि उसने किया था वो करना चाहता है तो उस चीज के लिए भी मैं गुस्सा ही थी कि वो ऐसा करना चाहता है मेड आउट इन अ वॉशरूम आफ्टर अ मूवी आई गेस आई गॉट हिट प्रियांक इट वाज प्रियांक इट वाज प्रियांक इट वाज प्रियांक हमने सही गेस किया था एंड आई न्यू इट सो इट इज ओके फॉर मी इट वाज वेरी मच कैजुअल प्रियांक के दोनों राउंड के बाद स्कोर है सॉरी प्रियांक इट्स ओनली 3 पॉइंट्स इतने सारे ब्रूसेस के साथ इतनी मार खाने के बाद मैं ये सोच रहा था कि मैं कितना डिसअपॉइंटेड हूं यार एक और सीक्रेट है वांट्स टू मेक लव टू दिव्या इन अ हाउस बोट एट एन एग्जॉटिक लोकेशन लाइक बैक वाटर्स ऑफ केरला जो लड़का होगा ना उसे मैं छोड़ूंगा नहीं उसे विला के बाहर भी मारूंगा विला के अंदर भी बहुत ज्यादा मारूंगा दिव्या आपको लगा ये प्रियांक है आपको लगा या आपने होप किया सर दोनों ही गलत जवाब वो प्रियांक नहीं था इट वॉज रिपू निकला कौन रिपू लाइक सीरियसली रिपू एक हैंकरचीफ प्लीज प्रियांक को दिया जाए बिकॉज आई थिंक वो भी रिपू को मारना चाहता है वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ And Mole's wild fantasy. Mohit. 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 You are correct, ladies. This guy, sweet guy, very sweet. Usko sex se zara foreplay pasand hai and cuddling aur spooning bahut pasand hai. Oh, you mila bichu. Akash ko isne mara. I thought पूरे टाइम ऋतु के साथ ही डूइंग नथिंग तो आई थॉट यही अच्छा लगता होगा तो क्या मुझे तो यही लगता उसकी कोई और वजह भी हो सकती है वो बाहर आएगी दिस गाय वाज बसीर ये आई पिक द डे बसीर यू लाइक कडलिंग एंड स्पूनिंग हमें ये प्रूव हो गया था दैट बसीर इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय इज गोना बी टैकल लेगा चुप हो जा मतलब बहुत प्यारा था बहुत प्यारा मीन इज लाइक मतलब तू मेरे साथ से मिला तो क्या कुछ ठीक है गुड गुड फॉर यू ऑलराइट was in a relationship with four girls at the same time dirty guy Mohit Mohit What kind of a guy is this, yaar? Back in those days. मुझे इतना गुस्सा आया. I was like Mohit. He was like, अरे past में था ना वो तो. I was like for real, seriously? Mohit, you got a total of 8 points. Whoa. I was really happy. Isha, finally, यार इतने फटके पड़े was worth it. एक और secret wants to go on a bike ride and make out in every city. Basir. 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 Yes, that is Basir. Bike पे मतलब तेरे को बस हर city में जाता है. Mom, I want to travel a lot. Total points between the two rounds, 5. I was at least happy कि कुछ लोगों को पता है कि मेरी fantasies क्या हैं. I was glad. Next, made out with a girl in the back seat of a car. Dance. This was Nachiket. What? What? Come on, like, naughty, nasty. हम क्या समझते तू निकला क्या बेटा देखा सही खेल गया मुझे बहुत underestimate कर रहे हैं public इधर Nachiket,
Your total score is 4. If Ash would get in bed with any gender, male or female, to get ahead in his career. Not me, man. मेरे को पढ़ा था. And you got hit. Yeah, from I think. तेरे को एक पढ़ी थी और आकाश को बाकी की पढ़ी थी. पांच. These girls know you guys very well, Akash. ये आपका ही था. यहाँ शायद लोग थोड़े से जजमेंटल हैं, सब बकवास बातें करते हैं, बट मुझे पता है सबको करियर में अपने आगे बढ़ना है, सब कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पर. सर, सब लोग से मैं जैसे बातें करता हूँ, दे नो दैट आई एम एम्बिशियस फॉर माई करियर. तो इफ आई गेट सम लाइक समथिंग रियली बिग एंड आई हैव टू डू समथिंग, आई डोंट हैव एनी रिटेलिएशन टुवर्ड्स इट. तो मैं बोलता हूँ वो चीज. मुझे ये नहीं पता था दैट ही विल कम आउट लाइक दिस ऑन अ नेशनल टेलीविजन. तो इट वॉज अ बिट शॉकिंग. ओके. Made out with girlfriend's friend without the girlfriend knowing. Whoa. ये कौन था? ये आकाश हो सकता है. अब लग रहा है मेरे को. Dana, Dana. आकाश को ही मारा था शायद से. I got hit for this. आकाश. अच्छा बेटा, मैं आपकी girlfriend हूँ और मैं आपके ही best friend के साथ लग जाऊँ, क्या होगा फिर? और आकाश, पहले वाले में हमको 5 पड़ी थी. इसमें 3. Your score is 8. Congratulations. Yeah. आप कितने गंदे हैं वो सब लड़कियों को पता है. मोहित, आकाश, आप दोनों के स्कोर है 8. यू गाइस इन द टॉप 4. बसीर 5 इन द टॉप 4 एंड नचिकेत विद 4 पॉइंट्स इन द टॉप 4. वेल डन, वेल डन. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस बेवॉच सेशन. टेक केयर, वी विल सी यू गाइस सून. बाय गाइस. बेवॉच सेशन ओवर होता है, मैं जीत जाता हूँ एंड आई कम बैक टू विला ऑल रिलैक्स्ड एंड चिल. भाई देखो, सब बात की एक बार, भाई फिर से जीत गया. भाई फिर से जीत गया, फिर परफॉर्म करेंगे. आई थिंक आकाश उस रात सोया नहीं होगा. गाइज, यू नो व्हाट, हमें क्या करना चाहिए था, हमें अपने ही लड़कों को ना हर क्वेश्चन में मारना चाहिए. और क्या बोल रहा था मैं, मार सकते थे. इसीलिए स्टेफी वाज ओनली हिटिंग आकाश इन एवरी क्वेश्चन. हर बार दूसरे लोग जीत रहे, हर बार. नॉट शोइंग दैट पैशन दैट यू वांट टू विन एंड गो फॉरवर्ड, आई डोंट सी इट इन यू गाइस. हम लोग चैलेंज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि हमने गेम के बारे में सोचा ही नहीं, विच हम सब रिग्रेट कर रहे थे बहुत ज्यादा. सुबह सुबह हमें वीडियो मैसेज आता है. Congratulations boys, the 4 of you have just won the Baywatch session. आप चारों को एक मौका मिलेगा एक डेट पे जाने का with any girl that you want to go out with. Best of luck, enjoy your dates. रणवीर जी का वीडियो मैसेज आता है कि जो जो आज जीता है वो सब जा रहे हैं अपनी मनपसंद की लड़की के साथ डेट पे. And I was so happy. मैंने नैना को डेट पे जाना चाहा, हम लोग एक पूल डेट पर गए. हल्का पतला आज. इट वाज अ वेरी गुड टाइम, टिपिकल बसीर एंड नैना टाइम. उतरना है इसे? हाँ प्लीज. फिर वो करेगी. That date was just a cherry on the top. मैं जब आया था यार स्प्लिट्सविला, मैं यही सोचा था कि कुछ भी हो जाए गेम जीतूंगा. बंदियां बदलो, लड़ लो, भिड़ लो, व्हाटएवर व्हाटएवर, जो भी हो जाए भिड़ लूंगा, बट ये शो जीत के ही जाऊंगा. अब ऐसा लगता है कि शो साइड है अभी फिलहाल, दिल ना तोड़ो किसी का. तुमसे ही मिलकर तो दिल धड़कता. That moment, you know, उससे goosebumps आ जाते हैं. पता है कोई आपको
लिटरली इतनी श्योरिटी दे रहा है कि जब तक मैं इस गेम में हूँ तुम्हारे साथ हूँ एंड आई थिंक वी आर जस्ट परफेक्ट. एक बेवॉच एक्टिविटी हुई थी उसमें मैंने दिव्या का नोटिस किया था कि उसका वाइल्डेस्ट फैंटेसी एक रिवर्स साइड पे और डांस कर रही है वो. सो मैं दिव्या को एक जिप्सी में लेकर गया रिवर्स साइड डेट के लिए. ओके. डिड यू लाइक माय सरप्राइज? इट इज नाइस. वेरी नाइस. आई लाइक रिवर साइड. मी टू. नेचर. सब कुछ सही है. लोकेशन इज परफेक्ट. द अरेंजमेंट इज परफेक्ट. सिर्फ एक ही चीज परफेक्ट नहीं है, वो है लड़का. मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहीं बैठी रहूं. एक दिन मुझे छुट्टी मिल जाए विला से. प्रियांक के बदले मेरे को बुला देना, मैं और एग्जाम से बजाऊंगा. वन थिंग इज फॉर श्योर, प्रियांक की जगह पूरे वर्ल्ड में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता. बट मेरी जगह भी कोई नहीं ले सकता यार, इतना तो बोल दे. प्रियांक की तारीफ करने लाया हूं मैं तेरे को इधर. खुद तुमने टॉपिक चालू किया, खुद तुम ये सब बोल रहे हो. तो आई वॉज वेरी अनॉयड. मुझे समझ था कब खत्म हो ये डेट और मैं निकलूं यहाँ से. इस वक्त जैसी सिचुएशंस है विला में, आई फील सो बैड. एवरी मॉर्निंग आई थिंक आकाश ने और मैंने एक्चुअल में कुछ नहीं किया, किसी को कुछ बोला नहीं, किसी से फालतू लड़ाई नहीं की. हमने जो लड़ाई की है वो हमारे लिए की. दिस इज द ओनली दिस इज द लास्ट टाइम यू क्राई. दिस इज द लास्ट टाइम यू क्राई. आई वोंट लेट दैट हैपन. उसने इतना प्यारा डेट प्लान किया था मेरे लिए. रिवर के बीचों बीच इट वाज जस्ट अ परफेक्ट डे. आई डोंट नो हमारे बीच में क्या है. आई लाइक इट. इट्स समहाउ वेरी ब्यूटीफुल. बहुत ही प्यारा सा एक रिलेशन है हमारे बीच में. मेरी फीलिंग्स और भी स्ट्रांग हो गई थी कि आई थिंक ही इज द वन हु इज माय आइडियल मैच. मेरा मन हुआ कि मैं बस अपने बंदे को जोर से हक करके बोलूं थैंक यू सो मच. वी बोथ वर डांसिंग. इट वाज वन हेल ऑफ अ डेट. इट वाज द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी ऑन स्पिट्सुला. सो दैट वाज इट. What was it? Date कैसी थी तेरी? Shut up, Priyank. यार बहुत funny है यार वो. मैं कैसे गई हूँ उसके साथ. I only know. डी आके फिर मुझे बताती थी वो बहुत ज़्यादा irritated है. Nash एक बच्चा है, वो कहती मैं उसकी माँ लगती हूँ. You think he's an idol match? Shut up. क्या idol match? मम्मी, बेटा. निकल क्या idol match और निकल बता देगा. तो वो सब हुआ and then हम challenge के लिए ready हुए. लड़कों, आपको इस चैलेंज के लिए एक एक लड़की की मदद की जरूरत है. तो मेरा ऑप्शन तो वेरी क्लियर, इट वाज नैना. एंड मोहित ने अनमोल को चूज किया, आकाश ने रितु को चूज किया एंड नचिकेत ने दिव्या को चूज किया. तो बेसिक एम ये है कि चैलेंज जीतना है, सेफ होना है और उसके बाद ओरेकल के सामने जाना है. मोहित, आपको लगता है कि अनमोल आपकी आइडियल मैच हो सकती है? 100%. सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको. ये अपॉर्चुनिटी सनी इन चारों को नहीं, सिर्फ इनमें से तीन लोगों को मिलेगी. हम लोग बड़ी कंफ्यूजन में थे कि यार ये डिसीजन कैसे होगा, कौन डिसाइड करेगा कि ये तीन लड़के कौन हो. अलीशा एंड हनीत, आज आप नचिकेत, दिव्या, बसीर और नैना, रितु और आकाश, अनमोल और मोहित में से किसी एक को परफॉर्म भी नहीं करने देंगे. That's the power. I was like, damn man, the first power. But aisi seedha enemies. Alisha and Hanit. Your first decision.
हनीत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वी आर लाइक ब्रदर्स. आई वाज वेरी चिल्ड आउट कि यार मैं नहीं होऊंगा, मैं तो कम्पीट कर ही रहा हूँ. मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि वहाँ हनीत अलीशा थे, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे लगा था कि चलो मैं आगे तो जाऊँगा ही जाऊँगा एटलीस्ट चैलेंज परफॉर्म करने के लिए. You're killing them right now, taking so much time. किसी को दुख देकर मैं तो खुश नहीं रह सकती, तो मैंने हनीत को बोला तुम ये डिसीजन लो. मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, बट उसके बाद मैंने अपना दिमाग लगाया और सॉरी मोहित आउट. आई फ्लिप, आई लॉस्ट माई काम. अरे मैंने ये बोला था कि तू कोई अनफेयर फेयर मैं नहीं जानता, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तेरे को वोट कर रहा हूँ. थोड़ा सा तो आई मीन नॉट फॉर दिस. सीरियसली नॉट फॉर दिस. आपने मुझे और मोहित को निकाला, आपने दिव्या और नचिकेत को बचाया. मुझे इतना गुस्सा आया था, मुझे इतना गुस्सा आया था. आई स्वेयर आई वांटेड टू स्लैप दैट. गाइस, आज का जो आपका टेस्ट योर बॉन्ड चैलेंज है उसका नाम है इज्जत बचाओ. और किसकी इज्जत बचाना है? लड़कों की इज्जत. लड़कियों को अपने जो जो कनेक्शन है लड़का उसकी इज्जत बचानी है. उसकी इज्जत कैसे बचेगी? दूसरों की उतार. लड़कों, आप लोग टीले के ऊपर एक डब्बे के अंदर खड़े होंगे और आपने सिर्फ एक हार्ट पहना होगा आप लोगों ने. जो बम फूटा हमारे ऊपर वो ये था कि लड़कों ने कुछ पहना नहीं होगा. मैंने कहा भाई नेशनल टेलीविजन पर आप क्या करा रहे हो, मतलब सिर्फ सामने एक दिल और पीछे एक दिल. आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज मैं शर्म से मर रहा था उधर. तीनों लड़के तीन पैनल्स होंगे, उसके पीछे खड़े होंगे. जो लड़कियां हैं ऑपोजिट पेयर की वो ट्राई करेंगी कि वो टेनिस बॉल से वो पैनल्स को तोड़े और डिस्ट्रॉय करे. जितना ज्यादा लड़का एक्सपोज होगा उतनी ज्यादा उसकी इज्जत चले जाएगी. जिसकी सबसे कम इज्जत जाएगी वो लड़का जीत जाएगा और जिसकी उसके बाद सेकेंड सबसे कम इज्जत जाएगी वो दो पैर आगे चले जाएंगे. इस पूरे चैलेंज के लिए आपके पास है 10 मिनट. Best of luck, girls. Thanks. Let's get ready. Yay! Boys, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इज्जत खतरे में है. अब नहीं लग रहा, गई भाई खतरे में, बची नहीं अब. खतरे में तो तब जाएगी जब अंदर जाओगे और अपना बाथरूम उतारोगे. यार मैं टीवी पर नंगा पुंगा होके नहीं आना चाहता था, बट अभी आई साइंड अप फॉर स्प्लिट्स विला, करना पड़ेगा ये सब. Take it off. Strip! 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 I don't know why the boys are so happy. I have to ask you a few questions later. इतने confidently बंदा खड़ा हुआ है, ऐसे heart सिर्फ एक जगह पे लगा हुआ था and वो ऐसे खड़ा हुआ है. मार लो भाई मार लो. बस क्या बताऊँ, मतलब ये खतरा था कि भाई ये दिल अगर यहाँ जो लगा हुआ है ये टूटा तो लफड़ा है बहुत गंदा. तक कभी इतनी ठंडी फील नहीं हुई ऐसी ऐसी जगहों पे कि मैं क्या बताऊं. लेडीज यू हैव 10 मिनट्स. दिव्या एंड नैना टुगेदर एंड मी, व्हाट डू यू थिंक? गैंग अप नहीं होंगे? व्हाट डू यू थिंक? स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे? आर यू रेडी? मैंने और नैना ने एक दूसरे को देखा, हमने बोला आकाश. And that's it. Set. Go. Go Ritu. Go, go, easy, easy. Go Ritu. Ritu. Ball phasa. Go Ritu. Yeah, Divya, go, 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 easy. Go, go, easy. Pani mein jaise hi hum koode. Tab pata chala ki beta, this is not a rasgulla. Easy, 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 easy. Aram se. Go, Nana. Go, Nana. Go. इतना तो मैंने अपने लड़के को श्योरिटी दे दी थी कि तेरी इज्जत मेरे हाथ में और मैं बचा के रहूंगी. एंड द फीलिंग वॉज जस्ट वाओ.
मुझे ऐसा लग रहा था अरे चट्टे फटे मेरी इटली के भाई क्या होगा, ये जैसे जैसे कम होते जाएंगे सब दिखता जाएगा। बॉस आराम से ब्रीथ। ये तो आराम से होल्ड है ये सुपर सुपर। मेरे सामने बिल्कुल ऊपर नचिकेत खड़ा था तो देयर वाज नो चांस ऑफ हिटिंग बसीर। सुपर सुपर सुपर। वो पहला हिट किया, पहला हिट लग गया नचिकेत को, थोड़ी सी हिम्मत आई। कम ऑन रितु यू आर डूइंग गुड। कम ऑन दिव्या आराम से, दिव्या आराम से। बैलेंस करना लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा था, फोम की वजह से कपड़े जूते बहुत ज़्यादा सोपी हो रहे थे तो हम लोग को ग्रिप भी नहीं मिल रही थी कहीं पे। आराम से। आराम से। Oh, almost it. It was such a failure के आप बॉल इतनी मुश्किल से ऊपर तक लेकर आओ और अगर वो एम गलत हुआ देन यू आर गॉन। ऐसे थोड़ा ना होता है कि एक जगह ही मारते रहो, तो मैंने दूसरा बॉल उठाया और मैंने नैश को मार दिया। Are you hitting me? जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। मैंने कहा यार, भाई अपने घर में क्यों आग लगा रहे हो, मतलब वो तो किस्मत अच्छी है, भगवान की दुआ है कि मेरा पेपर फटा नहीं। The best part was Priyank was continuously motivating me. अब तेज मारना है हमें, तेज मारना है हमें। हमें जाना है सेफ जोन में। मैंने सिर्फ अपनी आंखें बंद की, I'm like, Divya, you have to be safe anyhow. इधर दूसरी तरफ नैना और दिव्या मेरे को बॉल्स मारे जा रहे थे, एक एक करके कागज पट रहा था। आकाश की 50% इज्जत तो लूट चुकी है, अब 50% और लूटनी है, जो कि मुझे लग रहा था कि नैना और दिव्या मिलकर 110% लूटेंगे। तो चल चल चल। वो पहले वाले था। जैसे जैसे आगे आगे विंडोज फट रहे थे वैसे वैसे टास्क और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज यू हैव टू देन प्रॉपरली एम वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द विंडो एंड यू हैव टू हिट। ऐसे एक एक स्वेयर वाटर पेपर फट रहा था, मुझे ये ज्यादा टेंशन थी कि यार मैं एक्सपोज हो जाऊंगा यार दुनिया के सामने। कम ऑन नैना, कम ऑन दिव्या, आराम से। मैंने देखा मेरी पड़ोसी नैना, वो मैडम गिरे जा रही लेकिन जब जब खड़ी हो रही तब तब मार रही थी। जब भी आकाश ऋतु इन तीन को कोई भी आता ना, मेरे अंदर एक पता नहीं एक देशभक्ति की फीलिंग आ जाती कि आज तो तोड़ दूंगी। एक तरफ जहाँ टेंशन थी कि यार मैं नंगा दिख रहा हूँ लोगों को, मेरी इज्जत जा रही है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बैक इन माय माइंड मुझे टेंशन भी थी कि आज मैं अनसेफ होऊंगा। 1 मिनट लेफ्ट, कम ऑन ऋतु, कम ऑन, डोंट गिव अप, कम ऑन ऋतु, कम ऑन ऋतु, जल्दी ऋतु, एक और के लिए आना अभी। लास्ट के 10 सेकंड्स मैंने और नैना ने, हमने सिर्फ एक दूसरे को देखा, वी लाइक नैना वी हैव टू डू दिस। 9 के 9 विंडो टूटने चाहिए, नेशन शुड सी इट के कर दिखाया इन लोगों ने यार। Oh!
9 विंडोज फट गए थे एंड हमने सिर्फ आकाश की शक्ल देखी ना, लाइक सॉरी डू, तुम्हारी इज्जत तो गई. 5, 4, 3, 2. मेरे लिए वो बहुत ही वियर्ड था कि यार कुछ नहीं बचा, पीछे लोग हैं आगे लोग हैं, मेरी कोई देखे ना, कुछ हवा ना चले. बसीर थैंक गॉड उसके ज्यादा बट पेपर्स फटे नहीं, बिकॉज मुझे नहीं देखना था, मुझे आंखें फोड़ लेती मैं अपनी उसको वैसे देखकर. लगता है सामने वाला दिल नैना, पीछे वाला दिल दिव्या थे जो मेरी इज्जत बचाए थे. एंड आई थिंक मैं जिंदगी में फिर कभी ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहूंगा. आई वॉज so pissed off on all the people of the villa. Sab hamare dushman kyun bane yahan par? Mera mood bahut kharab tha because mujhe pata tha ki main aaj bahut zyada unsafe hu. Aaj saaf ho gaya tha ki har koi chahta hai ki Ritu Akash show se bahar ho. Akash Ritu hote un bicharon ke muh dekhne wale the, because kahin na kahin unke liye bahut zabardast threat ban chuke, because it is happening again and again.